जनता को मेरा नमस्कार। इस वक्त हम गत्ती रोड पर हैं, जो रोड काफ़ी दिन से बंद चलता आ रहा है। लोगों ने काफ़ी बार डिमांड रखी एनएचपीसी से भी और बनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, लेकिन इसका कोई पक्का हल अभी तक नहीं निकला है। एक दिन मशीन लगती है, दूसरे दिन फिर से लैंडस्लाइड होता है और रोड बंद हो जाता है। मेरे साथ ये आप 5-6 युवा देख रहे होंगे, ये लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पर रुके हैं। इन्होंने एक एनएचपीसी के जो यहाँ पर इंचार्ज थे उनकी भी गाड़ी रोक कर इन्होंने बताया कि कुछ इसका पक्का हल जो है वो लोगों को दिया जाए, ताकि जितनी भी इस साइड 5-6 पंचायतें हैं उन लोगों को ये समस्या ना आए। लेकिन काफ़ी दिन से ये बोल रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इन लोगों ने फैसला लिया कि ये लोग रात को भी धरने पर बैठेंगे। वो लोग गाड़ी लॉक करके चले गए और ये लोग उनके गाड़ी का पैरा करने के लिए यहाँ पर बैठ गए। आप सभी देख रही जनता से, बनी की जनता से, ये किसी एक पंचायत या एक गांव का मसला नहीं है, मुद्दा नहीं है, सभी लोगों के लिए ये परेशानी है। आप सभी लोगों से विनती है कि कल सुबह 8 बजे से धरने पर हम लोग बैठ रहे हैं, आप सभी लोग कल समर्थन के लिए यहां पर आएं और बाकी की डिटेल आपको ये युवा भी बताएंगे। मेरी अपनी इन 5 पंचायतों से, खासकर गत्ती, सिटी, फतेहपुर, संधि और भंडार की तमाम जो पंच सरपंच हैं उनसे गुजारिश है और यंग यूथ से भी गुजारिश है कि जो हमने ये प्रोटेस्ट उठाया है हमारा साथ दें, हमारे इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाएं, ताकि जो हमारी रोड की समस्या है ये सॉल्व हो सके। बाकी जो है हमारे साथी बता रहे हैं। सबसे पहले हम मैम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इस टाइम रात के इतने 8:30 बजे हमारे पास पहुँचे हैं। सबसे पहले सब यूथ से मैं गुजारिश करता हूं कि सुबह 8 बजे हमारा साथ दें और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएं। जब तक ये हमारा हल मसला नहीं होगा, ये हम उठने वाले नहीं हैं, जो मर्जी हो जाए। धन्यवाद।